और चलिए बात करते हैं वाराणसी की। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में 31 जनवरी के बाद से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये रास नहीं आ रहा। अब इसी को लेकर नमाजियों की तादाद देखिए किस तरीके से ज्ञानवापी में बढ़ने लगी है। हर जुम्मे पर वो अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ये तस्वीरें बनारस की हैं। ये बाबा काशी विश्वनाथ की धरती है, जहां सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त ज्ञानवापी की है। 31 जनवरी से व्यास जी तहखाने में पूजा होती है और ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ज्ञानवापी के तहखाने में जब से पूजा शुरू हुई है तब से मुस्लिम समाज गुस्से में है और हर जुमे पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? पीली कोठी। अरे तो पीली कोठी में भी तो बहुत सारा वो है, मस्जिद है, उधर नमाज नहीं पढ़ते आप लोग? हम लोग यही पढ़ते हैं रोज। नहीं, पहले तो लोग नहीं पढ़ते थे, आप देख रहे हैं बहुत संख्या में आ रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग पुराने नमाज पढ़ने वाले, हम लोग पुराने नमाज पढ़ने वाले। लेकिन किसी बात का डर है क्या आप लोग को? कोई डर नहीं है, डर तो नहीं है। डरो अल्लाह से, बंदे से नहीं। आम दिनों में जुमे के दिन नमाजियों की जो संख्या 500 के करीब होती थी, वो अब 2000 के ऊपर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक नमाज अदा करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे मोहल्लों और दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं। 31 जनवरी की रात जब पूजा पाठ शुरू हुआ है, उसके बाद से ही जो नमाजियों की संख्या है उसमें एक तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है, और माना यह जा रहा है कि जो संख्या है वो अब 1000 से 1500 के आसपास पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि अब जो स्थानीय प्रशासन है उसके भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जुमे की नमाज के बहाने जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो अपनी एक तरीके से ताकत की नुमाइश करना चाहते हैं। ज्ञानवापी में नमाजियों की इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन 31 जनवरी के बाद यानी तहखाने में पूजा शुरू हुई तो नमाजियों की संख्या में भी इजाफा हो गया। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। मामला कोर्ट में है, फैसला क्या होगा ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।